Hey guys, welcome to my channel once again. आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डिजाइनिंग के परस्पेक्टिव में टेक्स्ट यानी फॉन्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज इस सेशन में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे इन टूल्स को अच्छे से यूज किया जाता है और आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेगी ताकि आपके डिजाइन में आप उसे ऐड करके उसके वैल्यूज को और ज्यादा बढ़ा सको. पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन कभी आपसे मिस ना हो. लाइक करें एंड शेयर करें. कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए. सो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को. जब भी कोई डिज़ाइन आप बनाते हैं तो आपको वहाँ पे टेक्स्ट को प्रेजेंट करना पड़ता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड हो चाहे डिजिटल मीडिया से रिलेटेड हो. इन दैट केस वी आर यूजिंग ऑलवेज टाइप टूल. टाइप टूल आप यूज़ कर सकते हैं. माउस के बटन को होल्ड करके रखिएगा एंड हियर इज द ऑप्शन. टी इज़ द शॉर्टकट. टी जो है वो शॉर्टकट है टाइप टूल को लाने का. और जब आप इसे लाते हैं तो आपको एक फ्रेम की तरह से क्रिएट करना पड़ता है. अब आपके जो टास्क होंगे या तो वो सिंगल लाइनर होंगे जिसमें आप हेडिंग्स वगैरह लिखते हैं या फिर आप चाहें तो पैराग्राफ वगैरह बना सकते हैं. तो इट्स डिपेंड कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहले आपको एक रीज़न को डिफाइन करना पड़ेगा. तो ड्रैग करके एक फ्रेम हम यहाँ पे बनाएंगे एंड आप देख सकते हैं कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है. तो मैं थोड़ा सा जूम इन करके अभी अंदर की तरफ चला जाता हूँ. अब यहाँ पे जो भी हम टाइप करना चाहते हैं उसका अपना एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, मतलब कि वो कैसा दिखेगा, उसका स्टाइल कैसा होगा, उसका साइज क्या होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ही ऑप्शन में मिल जाएंगी. राइट नाउ आई एम यूजिंग एसेंशियल वर्कस्पेस. आप किसी दूसरे वर्कस्पेस को भी यूज़ करेंगे तो वो टूल्स सारे के सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे. राइट तो यहाँ पे टॉप में आपको मिल रहा है, मेरे केस पे मेरे राइट में मिल रहा था मुझे. चलो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं फिलहाल हटा देता हूँ. तो आप किसी भी फॉर्मेट में जा करके वर्क कर सकते हो. राइट तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्टिव कर दिया है एसेंशियल क्लासिक और यहाँ पे जो ऑप्शन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन प्रॉपर्टी में आपको मिल जाता है फॉन्ट को चूज़ करने का. तो आप बाद में भी चूज़ कर लो या फिर आप पहले भी चूज़ कर लो. ओवरऑल जो डिज़ाइन है आपका वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आई कैची इन्फॉर्मेशन है वो टेक्स्ट होता है. अभी इसका फॉन्ट का साइज़ क्या होगा मुझे चाहिए, सपोज मैं 36 कर लेता हूँ. चलो मैं टाइप करके देखता हूँ पहले क्या आपको चाहिए. तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ ग्राफिक्स. अभी मैंने एक सिंगल वर्ड रखा है यहाँ पे. अगर मुझे पैराग्राफ फॉर्म में चाहिए देन वंस अगेन फिर से इसे ड्रैग करना पड़ेगा. अब ड्रैग करने के बाद आप इसमें रीजन डिफाइन कर दिया आपने, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का एक प्रॉपर फ्रेम बन गया. और इस फ्रेम में आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए, उसका साइज़ क्या चाहिए एंड बाकी सारे इन्फॉर्मेशन. फिलहाल मेरे पास एक नोट पैड है जहाँ पे मैंने कुछ नोट करके रखा हुआ है, कॉपी करके रखा हुआ बेसिकली. और ये जो इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट मैं यहाँ से कॉपी करके यूज़ करने वाला हूँ अपने उस वाले फ्रेम के अंदर में. राइट नाउ सिलेक्शन करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं. क्या होता है जब आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो एक पर्सन है जो टाइपिस्ट है, वो डिज़ाइनर नहीं वो टाइपिस्ट है. तो जो भी आपका ओवरऑल जो कंटेंट वगैरह है उसको मैटर को दे दिया जाता है, वो आपको ओवरऑल नोट पैड में एमएस वर्ड में या फिर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर पे आपको ओवरऑल टेक्स्ट दे देता है. अब एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको इन सभी चीज़ों को प्रॉपर अरेंज एंड प्रॉपर मैनेज करना. यू आर नॉट टाइपिस्ट जिसमें आपको सिर्फ टाइप करना पड़े. लेकिन अगर आपको डिटेल में पूरा मैगजीन टाइप करवाना है उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है तो एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर को कभी ये टास्क नहीं दिया जाता है कि बैठ के आप टाइप करते चलो. उस काम को उस टास्क को करने के लिए वहाँ पे डेटा एंट्री वाले जो लोग हैं वो लोग रहते हैं, वो लोग टाइपिंग का काम करते हैं और वो डेटा आपके पास डायरेक्ट जो है वो आ जाता है. तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको दिखाया कि अगर आपके पास कोई डेटा आया है और उस डेटा को आप कॉपी करके डायरेक्ट इस फ्रेम में यहाँ पे फिट कर सकते. अभी इसका सिलेक्शन कर लोगे आप. और सिलेक्शन करने के लिए क्या तरीका है, आप सिंपली जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया ठीक है, तो इसके इनसाइड में जब क्लिक करोगे तो आप कर्सर ब्लिंक करेगा आपका. ड्रैग कर सकते हैं माउस के बटन को होल्ड करके और आप इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे. आप देख सकते हैं सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है. एंड सिलेक्शन का मतलब है कि ये जो रीज़न है हमने सिलेक्ट कर दिया तो बाकी सारे चेंजेस हम यहाँ पे कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसमें डबल क्लिक पहले करें. तो सिंगल डबल क्लिक जैसे आपने किया देखो सिंगल वर्ड का सिलेक्शन हो रहा है. एक दो दो बार मैंने किया तो एक वर्ड का सिलेक्शन हो रहा है. लेकिन एक दो तीन तीन बार मैंने किया यानी थ्री टाइम्स मैंने क्लिक करा तो ये कंप्लीट लाइन का सिलेक्शन हो रहा है. ओके नाउ 1 2 3 4 और फोर टाइम्स मैंने क्लिक किया तो ओवरऑल जो आपका जितना भी टेक्स्ट है वो सारे का सिलेक्शन हो जाएगा. सो दिस इज अ शॉर्टकट. सो इट्स वेरी हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमें काम. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके स्पीड को थोड़ा सा बूस्ट कर देती हैं. और कैसा फॉन्ट आपको चाहिए आप यहाँ पे जाके चूज़ कर सकते हैं. जितने भी सिस्टम में आपके फॉन्ट हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो करेंगे. चूज़ कर लेंगे एंड चूज़ करने के बाद गाइस आप इसके साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना भी आपको यहाँ पे साइज़ की ज़रूरत है. सपोज मैंने 14 कर दिया. अभी आपको टोटल कैप्स में चाहिए तो कैप ऑल कैप्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो. राइट तो इस तरीके से चेंज केस कर सकते हैं यानी जो कंडीशंस आपको मिला इसमें चेंजेस कर सकते हैं. इसको मैं यहाँ से ऑफ कर दे रहा हूँ. टाइप में चले गए, चेंज केस लोअर केस तो सारे लोअर में है ठीक है. चेंज केस अपर केस सारे कैपिटल में हो गए. फिर टाइप चेंज केस लोअर केस सारे स्मॉल में हो गए. लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे कन्वर्ट करें तो ये वाला डिजेबल हो, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा
तो फिर आप वहां पे जाके कोई चेंजेस करोगे तो भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी मैं जाके लोअर केस कर रहा हूँ बट फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक्टिव है, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। जो भी जाके कंडीशंस मैं चूज करूंगा वो सारी चीजें प्रॉपर वर्क यहाँ पे करेगी। टाइटल केस में मैं जा रहा हूँ, तो टाइटल केस में जितने भी वर्ड्स है सारे फर्स्ट जो लेटर है वो देखो कैपिटल हो चुका है, सारे के सारे में फर्स्ट लेटर कैपिटल हो चुका है। और अगर आपको सेंटेंस केस में चाहिए तो पहले तो सिलेक्शन कर लो एंड उसके बाद गाइज आप जा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद सेंटेंस केस में कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज अ कैपिटल, बाकी सारे के सारे देखो स्मॉल लेटर में है, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है, फिर फर्स्ट कैपिटल। तो सेंटेंस का जो अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे स्विच कर देगा। तो इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन में और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। अभी मैंने चलो सिर्फ फ्रेम का सिलेक्शन किया, मैंने टेक्स्ट का सिलेक्शन नहीं किया, सिर्फ फ्रेम का मैंने सिलेक्शन किया है। अभी जाकर के हम इसमें जाकर के क्लिक करेंगे तो भी ये वर्क यहाँ पे एज इट इज करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे आपको स्पेसिफिक रीजन को डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है जिसको मुझे हाईलाइट करना है, इसका कलर चेंज करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे जाके क्लिक कर लेंगे लाइक दिस, ठीक। अभी मैं बाहर में क्लिक कर रहा हूँ तो देख सकते हैं सेलेक्टेड मैंने ये रखा था, सिर्फ इतने पे ये यहाँ पे एक्टिव हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपके पास दोनों केसेस हैं, अगर आप चाहें तो ओवरऑल सेलेक्ट करके कुछ चीज़ों को अप्लाई करें अगर सभी पे अप्लाई करना है तो, लेकिन किसी स्पेसिफिक चीज़ों में अगर आपको अप्लाई करना है देन आपको इसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। लाइक मैं इसे ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया एंड सिलेक्शन करने के बाद गाइज आप यहाँ से इसके कलर को फिल कर सकते हो लाइक दिस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्टेड रीजन था उसी पे ये यहाँ पे काम किया। एंड ओवरऑल अभी मैं सिलेक्शन में नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, मैं ओवरऑल सिर्फ क्लिक किया हूँ, फ्रेम का सिलेक्शन किया हुआ है और इसमें चले जाएंगे एंड यहाँ पे जाकर के आप कलर फिल करोगे देखो इस तरीके से। तो अभी कलर उस टेक्स्ट में नहीं आया, उसके बैकग्राउंड पे कलर आ चुका है। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट में कलर चाहिए देन टेक्स्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा एंड देन जाके इसमें कलर फिल करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इस तरीके से कलर को चेंज कर सकते हो। इस तरीके से इन सभी चीज़ों को सेटअप किया जाता है। दोनों का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो टेक्स्ट का सिलेक्शन करके कलर चेंज करोगे तो टेक्स्ट में चेंज करेगा एंड ओवरऑल फ्रेम में क्लिक करके करोगे तो ओवरऑल फ्रेम के कलर को ये यहाँ पे चेंज कर देगा एज अ बैकग्राउंड कलर की तरह। अगर आपको बैक करना है तो आप अंडू कर सकते, कंट्रोल जेड इज द शॉर्टकट, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है गाइज। ये एक बेसिक एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके डिज़ाइनिंग के प्रस्पेक्टिव में, राइट। अभी आप देख सकते हैं जब मैंने फ्रेम का सिलेक्शन किया तो फ्रेम से रिलेटेड सारे चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। ओवरऑल जैसे एंगल वाइज चेंज करना है तो फ्रेम के एंगल को चेंज करेगा, कंट्रोल जेड वंस अगेन, फिर से अगर मैं इसे टिल्ट करना चाहता हूँ तो ओवरऑल फ्रेम को ये करेगा। तो अभी अगर आपने फ्रेम का सिलेक्शन किया है तो जो भी चीज़ें वैलिड होंगी वो फ्रेम के बेसिस पे होंगी। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट में करना है तो फिर आपको टेक्स्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे मैंने टेक्स्ट का सिलेक्शन कर दिया फ्रॉम हियर टू हियर, अभी जाके जो भी चेंजेस मैं करूंगा इस टेक्स्ट पे प्रॉपर एप्लीकेबल होगा। अभी मैंने सिलेक्शन कर दिया, आप देख सकते हैं मैं इसे 100% से थोड़ा सा इंक्रीज कर ले रहा हूँ या फिर इसके स्पेसिंग्स को मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप। उसका जो पोजिशन है फ्रेम से ऊपर नीचे वो आप सेट कर सकते हो। फॉन्ट के बीच के जो स्पेसिंग्स हैं इन्हें आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो फ्रॉम हियर। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके डिजाइनिंग के परस्पेक्टिव में। और आप इसका सिलेक्शन करके रखे हो तो यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ को अरेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें से लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन आपको मिलेगा और जस्टिफाई, फुल जस्टिफाई, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर पे आपको मिलते हैं जब आप इस तरह का कोई वर्क यहाँ पे करते हो। तो ऑल कैप करने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वंस अगेन क्लिक करोगे तो यहाँ पे वापस पहले वाला जो सेट था वो आ जाएगा एंड यहाँ पे करेंगे तो फर्स्ट लेटर देख सकते हैं ये, आप यहाँ पे इस तरीके से भी इसमें भी स्मॉल कैप्स कर सकते हैं, कैपिटल कैप है और ये स्मॉल कैप यहाँ पे है। अगर आपको अंडरलाइन करना है, जैसे सपोज मुझे कोई एक चीज़ को हाईलाइट ज़्यादा करना है तो मुझे इस वाले सेक्शन को हाईलाइट करना है फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। इन दैट केस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अंडरलाइन में जाके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो सिंगल एक अंडरलाइन आ चुका, आप देख सकते हैं। तो जो सिलेक्टेड पार्ट था सिर्फ वहीं पे ये चीज़ एप्लीकेबल हुआ है, वंस अगेन फिर से क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। कोई पहले टर्म्स एंड कंडीशन था, अब चेंज हो चुका है तो पहले वाले टर्म्स को भी मेंशन कर दिया जाएगा, बाद में जो चेंजेस हुए उसको भी रखना है। तो आप इस तरीके से उसमें स्ट्राइक डाल सकते हो। अभी वापस फिर से मैं इसका सिलेक्शन करके इसे हटा देता हूँ एंड अभी जो सिलेक्शन मैंने रखा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हम यहाँ से कर सकते हैं इसके साइज़ वगैरह को लेके कुछ इस तरीके से एंड इसे थोड़ा सा टिल्ट अगर हमें करना है वी कैन डू दैट फ्रॉम हियर। तो जो सिलेक्टेड जो रीज़न है आप देख सकते हैं सिर्फ वहीं पर ही ये वर्क किया है, रिमेनिंग कहीं पर भी ऐसा कोई वर्क हमें देखने को नहीं मिल रहा, राइट। तो इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो आप स्पेसिफिक सेक्शन में जाओगे, स्पेसिफिक पार्ट में जाओगे एंड वहाँ पर जो चेंजेस करोगे अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, फाइन। इस तरीके से इन सारे ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हो, स्पेसिंग्स को इंक्रीज कर सकते हो दो लेटर के बीच में, उनके लाइन के बीच में एंड वट एवर, ठीक है। कलर भी चेंज किया जा सकता है एंड सिलेक्शन करेंगे तो आप यहाँ पे भी जाके इसमें भी चेंजेस कर सकते हो। इसके आउटर जो स्ट्रॉक्स हैं उसमें चेंजेस आ जाएगा, देख सकते हैं। तो जो आउटलाइन है
वो भी यहाँ पे इफेक्टिव हो चुका है, और आप कलर को चेंज करना चाहते हो लाइक दिस, तो आप इसे भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी आप जाके इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो वैल्यूज में, ठीक है। कलर को चेंज करना है फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक, ओके। इस तरीके से हमने इन सभी में जो भी चेंजेस हमारे रिक्वायर्ड थे हमने सारे चेंजेस आपको करके बता दिए, एंड आई होप गाइज आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इनमें वर्क करना है। ओके फाइन, सो अभी मैं इसका सिलेक्शन करके बैकस्पेस प्रेस करूँ या डिलीट बटन प्रेस करूँ, इट्स वेरी सिंपल, वो डिलीट यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे ला सकते हो, और किसी भी शेप को आप लेके आ गए लाइक दिस वन, और शेप में अगर आपको टेक्स्ट लेके आना है देन सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करेंगे, और इसमें जो भी चीज़ें आप पेस्ट करोगे कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, तो इसके अंदर में वो आ जाएगा। तो जस्ट लाइक अ फ्रेम की तरह कॉल कर लिया। तो पहले जो हमने दिखाया आपको यहाँ पे आप जाके सिर्फ रेक्टेंगल्स क्रिएट कर सकते थे लाइक दिस, लेकिन अगर आपको किसी शेप के अंदर में डालना है तो शेप को लेके आ जाएंगे। लाइक आपको एलिप्स ड्रॉ करना है, सिंपल ड्रॉ करोगे एंड शिफ्ट होल्ड करके करोगे तो यूनिफॉर्म स्केलिंग होगा, एंड यहाँ पे आप जाएंगे टेक्स्ट टूल को लेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। इस तरीके से उसके अंदर में स्पेसिफिक उस फ्रेम के अंदर में आप उसके साइज के अकॉर्डिंग सारे टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी कई बार हमें यूज़ करना पड़ता है, हमारा जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उसके बेसिस पे। नाउ कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल एंड बैकस्पेस टू डिलीट ऑल। तो ये तो बात हो गई इनसाइड फिल करने की, जिसमें आपने इनसाइड में जाकर कुछ भी मैनुअल डाला वो इसके इनसाइड में आ चुका है। और इसे मैं दूसरे वाले ऑप्शन पे चलेंगे, यहाँ पे टाइप ऑन अ पाथ, ये दूसरा ऑप्शन है जिसमें जाके किसी स्पेसिफिक पाथ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लिक हमने कर दिया एंड जो भी चीज़ हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो अकॉर्डिंगली इसी तरीके से यहाँ पे वर्क भी करेगा, ठीक है। तो कई बार हमें इस तरह से जरूरत पड़ता है, कई बार हम उस तरह का जरूरत पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। तो आप इसे इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे कोई एक लोगो वगैरह बना रहे हो या फिर कोई ऐसा डिजाइन है जिसमें आपको इस तरीके से चीजों को प्लेस करना, यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। आज के सेशन में मैंने आपको जो भी चीजें बताई कि सारी चीजें आपके डिजाइनिंग के परस्पेक्टिव में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी टूल्स को अच्छे से यूज करना है ताकि आपके डिजाइन में और ज्यादा अट्रैक्शन आ सके, ज्यादा वैल्यू वो ऐड कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई टॉपिक्स के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।